ये देखिए फ्रेंड, काफी दूर तक प्रेशर जा रहा है, आप लोग देखो 20 से 15 फीट दूर है, आप लोग देखो। फ्रेंड्स, इस कमाल की पिचकारी को बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक 2 लीटर की बोतल का यूज़ करने वाला हूँ। आप अच्छी क्वालिटी का बोतल का यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप 1 लीटर की बोतल का भी यूज़ कर सकते हो, बस वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। चलिए फटाफट से इस पिचकारी को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर इसके जो कैप है इसके ऊपर एक होल कर लेना है, और हमें लगाना है इसके ऊपर एक साइकिल का वॉल, जो कि आपको किसी भी साइकिल रिपेयरिंग शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। और आपको इसका होल ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना है, तो बिल्कुल एयर टाइट बनाना है फ्रेंड्स इस पिचकारी को। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर एयर टाइट बनाओगे उतनी ज़्यादा अच्छे से यह वर्क करेगी। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर वॉल को अच्छे से फिट कर लेता हूँ। इसके लिए मैंने एक ट्यूब कट कर लिया है जिससे कि अच्छे से एयर टाइट हो जाए। चलिए फटाफट से मैं इस वॉल को लगा लेता हूँ। देख सकते हो मैंने बॉटल कैप में यहाँ पर जो वॉल है उसे अच्छे से टाइट लगा लिया है। तो आप देख सकते हो अब यहाँ से एयर कहीं से भी नहीं निकलने वाली है। तो चलिए अब इसे रखते हैं हम लोग साइड में। अब हम लोग इसका जो प्रेशर वाला जो आगे हैंड में पहनेंगे उसे बना। फ्रेंड्स, इस पिचकारी के अंदर मैं ये वाले पाइप का यूज करने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हो इसके दोनों एंड में यहाँ पर रबड़ की ट्यूब है जिससे कि ये काफी अच्छे से एयर टाइट रहेगा। और आप लोग देख सकते हो इसके साथ एक लॉक भी मिलता है हमें, जिससे कि हम लोग यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। एयर भी लॉक हो जाएगी और पानी भी लॉक हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा पाइप है ये। इसकी जगह आप लोग वो जो गैस ट्यूब में जो पाइप लगते हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा लॉक आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लॉक नहीं मिले तो आप जो मेडिकल में जो यूज़ होता है वो ऐसे व्हील वाला लॉक, उसका भी यूज़ कर सकते हो। और आप पतले पाइप का भी यूज़ कर सकते हो, उससे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे। फ्रेंड्स, अभी इस एंड का होल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ पर पानी प्रेशर से नहीं आने वाला है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले खाली पैन का, जो कि आप लोग देख सकते हो आगे से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पतला है। तो फ्रेंड्स, इससे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आएगा और काफ़ी दूर भी जाएगा। इसी रबड़ का ट्यूब है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टाइटली लग जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको नहीं मिले तो आप सीधा पाइप भी लगा सकते हो और बाहर एयर टाइल भी लगा सकते हो, जिससे कि काफ़ी अच्छे से ये वर्क करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने हाथ में पहनने के लिए यहाँ पर एक पट्टा कट कर लिया, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर ग्लू पहले से लगा था इसमें साइड में, तो यहाँ पर ये आराम से चिपक जाएगा। नोजल को हाथ में लगाने के लिए मैंने यहाँ पर पट्टा कट कर लिया, आप लोग देख सकते हो। और ये यहाँ पर ग्लू लगा है थोड़ा सा, तो यहाँ पर चिपक जाएगा ये आराम से। तो आप किसी भी रबड़ बैंड का भी यूज़ कर सकते हो, चौड़े वाला जो रबड़ बैंड आता है। तो चलिए अब फटाफट से क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमने पैन का नोजल कट किया है इसे हम लोग यहाँ पर चिपका लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पैन के पीस को चिपका दिया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो बेल्ट है उसे कट कर सकते हो और ये पैन के पीस को लगा सकते हो। तो चलिए अब आगे का काम शुरू करते हैं। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमें जो पाइप का जो दूसरा एंड है उसे हमें यहाँ पर बॉटल के नीचे एक छोटा सा होल करना है और उसे लगाना है। आप जो पाइप यूज़ कर रहे हो अगर उसमें से रबड़ का पीस नहीं है तो आप भी नॉर्मल यहाँ पर जो पाइप यूज़ कर रहे हो उससे थोड़ा सा छोटा होल करके यहाँ पर लगा सकते हो और बाद में बाहर एयर टाइट लगा सकते हो। इसके यहाँ पर साइड में थोड़ी सी गैप है तो यहाँ पर एयर निकल सकती है, इसलिए हम लोग बाहर यहाँ पर एयर टाइट को लगा देंगे। चलिए फटाफट से ये लगाता हूँ, उसके बाद में ये पिचकारी बन के रेडी हो जाएगी। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पिचकारी बन के रेडी हो चुके हैं। ये पूरा पाइप जा रहा है और ये यहाँ पर हमारे हाथ में लगेगा और ये पूरा यहाँ पर इसका वाटर टैंक है। तो चलिए आप फटाफट से टेस्टिंग करते हैं, मतलब अभी करेंगे नहीं टेस्टिंग हम लोग। यहाँ पर एयर टाइट है, इसे हमें सूखने के लिए लगेगा अभी बहुत ज़्यादा टाइम। तो अभी हो रही है रात, तो कल सुबह टेस्टिंग पे मिलते हैं आपको। द नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर पानी भर दिया है और इसमें कलर डाल दिया थोड़ा जिससे कि आपको दिखे। और यहाँ पर मैंने एयर भी अच्छे से फिल कर दिए। और आप लोग देखो यहाँ पर जो हमने बेल्ट बनाया है इसे हम लोग फटाफट से हाथ में पहनते हैं और उसके बाद में फिर आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर मैं लॉक खोलता हूँ, ये देखिए फ्रेंड, काफ़ी दूर तक प्रेशर जा रहा है, आप लोग देखो, मतलब यहाँ से 20 से 15 फीट दूर है, आप लोग देखो। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको इस पिचकारी की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और अमेजिंग प्रोजेक्ट की वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अभी होली आई नहीं है तो और भी प्रोजेक्ट की वीडियोस आ सकती है। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।